बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काब ख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोय, पूरी नौतन मामा जोय। अठोते सुपख शाखा सही, धामधनी अक्षरातीत हमारी प्राणों के पीतम, प्राण के नाथ आगे बीतक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे, कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने वैसे तो दो दिन से यही हरिद्वार प्रसंग श्री जी का सभी आचार्य जन संत जन के साथ शास्त्रार्थ उसमें कल हमने हरिद्वार के प्रसंग में श्री निष्कलंक बुद्ध स्वरूप और कते परंपरा में कहा गया कि श्री इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा आखरुल श्री इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा कैसे वहाँ जाहिर हुए और सब आचार्य जन ने मिलकर आरती भी उतारी, विद्याभिनंद की शाखा भी चलाई, ध्वजा भी फहराई और आगे के प्रसंग में हमने संप्रदाय निजानंद संप्रदाय पद्धति उसी का भाव देखते हुए आगे हम इस चौपाई में पहुंचे कि अठो ते सो पक्ष शाखा सही, साला है गौलोक सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक। अक्षराती धाम के धनी महामती के स्वरों में हम सब सुंदर साथ की आत्मा को इस जागनी की राह पर कैसे चला जाए। जो मोमिनों ने चल के दिखाया
यही प्रसंग को हम आज 18 दिन से, आज 18वां दिन है, सुनते आ रहे हैं। और सुंदर साहब जी अभी इस प्रसंग के माध्यम से हमारे धाम के धनी ये निजानंद संप्रदाय पद्धति के निजानंद की सच्ची राह पर ब्रह्मात्मा की कैसी रहनी होनी चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, उसकी गरिमा कैसे हो, तो इस निजानंद संप्रदाय पद्धति में वैसे तो हमारे सिद्धांत को दर्शाते हुए आगे धामधनी बता रहे हैं कि 78 पक्ष शाखा से उससे अगली कल चौपाई हमने अंतिम पूर्ण की थी कि जुगल किशोर को जाप है। हम श्री युगल किशोर श्री राज श्यामा जी का ही जाप करते हैं, उसी पर हमने कल विस्तार से सुना। हमारा मंत्र तारतम मंत्र है और देवी हमारी ब्रह्म विद्या ये कुलजम वाणी, ये तारतम वाणी, ये स्वरूप साहेब हमारी देवी है। और अंतिम पूरी नौतन उससे पहले कई पुरियों के बारे में हमने सुना था, लेकिन ये जो नौतन पुरी कहा गया ये कौन सी पुरी है उसके बारे में भी हमने कल विस्तार से सुना। और उसी को लेकर एक अर्थ और वेद के जो प्रमाण देखने योग्य है कि अकाम धीरो अमृत स्वयंभु रसे न तृप्तो न चकृत नो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीर मंजर युवानम। यहाँ अगले चौपाई में बताया कि श्री युगल किशोर को जाप है, हम श्री राज श्यामा जी के नाम का जप करते। कल मैंने बताया था कि हम नाद योग मंत्र योग या राज योग या तप योग ये कुछ भी नहीं करते, हम निजानंद योग की राह पर चल रहे हैं कि ये परमात्मा कैसा है। अकाम धीरो वो धीर है, वो अमृत स्वरूप है, वो आनंद के स्वरूप है, वो नित्य परम धाम में अपनी लीला से पूर्ण है, वो धीर अखंड अजर अमर इतना नहीं, नित्य तरुण रहने वाले किशोर स्वरूप जिसमें कभी भी परिवर्तन ना हो, अनादि काल पहले भी वो स्वरूप वैसा ही था जो आज है और अनादि काल के बाद भी वो स्वरूप किशोर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन कोई विकृति कोई युवा या पौध या वृद्धावस्था नहीं आती, उसमें कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे पुरुष कौन है, तो पर ब्रह्म अक्षरातीत है। वो पुरुष को जानकर विद्वान पुरुष कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। और आगे 78 पक्ष शाखा सही हम 108 पक्षों की जो शाखा है। एक बार सुंदर साह जी मेरी एक राधा वल्लभी मार्ग पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायी वैष्णव जन के एक साथ एक बार मेरी उसी चौपाई पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी, उसी को पता ही नहीं था कि 108 किसको कहा जाता है। और मैंने आधे घंटे तक इस चरण पर आधे चरण पर ही समझाया था, तभी जाके उसने बोला था कि 108 श्री 108 कोई श्री 1008 लिखते कोई तो कहीं शून्य बीच में लगाते, लेकिन इस संसार में
कई मनुष्य जन, कई महापुरुष अवतार, या चाहे जिसको अपने विचारधारा चलाने वाले जिसको मानते हैं उसी के आगे कोई 108 या 1008 या जो भी शून्य लगा के वो इस विचारधारा में इस परंपरा को चलाते हुए लगाते हैं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि 108 किसको कहते हैं। तो उस पर मैंने विस्तृत चर्चा रखी थी। यहाँ हम थोड़ा चौपाई के आधार पर आगे राज्य की प्रेरणा से हम समझेंगे कि 108 किसको कहते हैं। तो उसने तब मेरे को बताया था कि दीदी, हमारी परंपरा में विचारधारा चलाने वाले जो महापुरुष है उसने कभी भी अभी 108 किसको कहते हैं उसी के बारे में कोई विस्तृत चर्चा या कोई स्पष्टीकरण, कोई खुलासा हमने सुना ही नहीं है। 108 किसको कहते हैं? तब मैंने जाके बताया कि दीदी, आपके गुरुजन, ध्यान से सुनिए, आपके गुरुजन जो भी विचारधारा चलाने वाले महापुरुष है वो कैसे विचारे बताते, क्योंकि वो तो 82वें पक्ष तक ही पहुँचे हैं, उससे आगे 83वां पक्ष कौन सा है और उसके आगे भी 25 पक्ष जो दिव्य परम धाम के है, तो वहाँ तक तो इन महापुरुषों की पहुँच ही नहीं है, तो बेचारे कैसे बता पाए। ये तो तारतम वाणी आई, ये ब्रह्म वाणी आई, इसलिए सुंदर साथ जी हम बता सकते हैं। तब मैंने बताया कि 108 पक्ष क्या है, उसी प्रसंग को हम आगे सुने और आगे बताया कि साला हमारी गौलोक है और सतगुरु रूप ब्रह्म के चरण कमल हमारा क्षेत्र है और आगे जहाँ जाए सब सुख, उस चरण कमल का हम जब ध्यान करते हैं। और आगे जाके बताया था सुंदर साथ जी के तुम फिर दर्शन के बारे में जब पूछा गया तब राज जी ने क्या बताया कि इन भौतिक नेत्रों से, ध्यान से, इन भौतिक नेत्रों से मैं कभी भी आपको दीदार नहीं दूंगा, आपको दर्शन करना हो तो मैं आपके धाम दिल में बैठा हूँ। और अभी भी हम किरणतन पूर्व जो सुन रहे थे श्रवण के मुखारविंद से, हमारे बच्चे के मुखारविंद से, आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, तभी मेरे अंदर एक चिंतन चल रहा था। सुनते सुनते क्या सुंदर साजी चिंतन चल रहा था मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि आँखा खोल तू आप अपनी। तो मैंने सोचा कि ये आँख तो मेरी खुली है, आप सबकी आँखें खुली है, अभी संसार में भी जितने भी, चलो सुंदर साज समाज तो है ही, लेकिन और भी जीव दिन को तो सबकी आंखें खुली ही रहती है, भौतिक नेत्र तो। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको कि ये नेत्र तो अभी खुला ही, और दिन को तो हम, चलो दोपहर को शायद एक 1.5 घंटे कदाचित हम एक तमोगुणी निंद्रा करते हैं तो बंद हो जाती, ठीक है, बाकी तो पूरा दिन तो ये आँख खुली ही रहती ना, रात को ये नेत्र बंद होते। तो मैं इस बारे में मैंने सोचा अभी थोड़ी देर पहले कि किस आँख खोलने की धामधनी बात कर रहे हैं, कि आँखा खोल तू आप अपनी। सुबह सुंदर साथ के साथ जब मेरी चर्चा हुई इस विषय को लेकर तब मैंने बताया कि सुंदर साथ जी धामधनी आँख खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये आँख तो हमारी लगातार खुली रहती है, तो किस आँख को? तो वो सुंदर साथ ने बताया कि वो दीदी मान नहीं रही है, सबको थोड़ी गुमराह, मतलब अलग रास्ते पर ले जा रही है। तो मैंने ये बताया कि आप सब टीका, सब और विद्वानों के मुखारविंद की चर्चा, या मैं कहूँ या वही कोई विद्वान कहे या कोई गुरुजन कहे, जो भी कहे, ये बात एक की ओर रहने दो, चलो आप प्राणनाथ जी की वाणी को तो मानेंगे ना, वही सत्य है ना, वही अटल सत्य है, ठीक है। और मैंने कल भी लक्ष्मीदास के प्रसंग से आपको बताया था कि सुंदर साह जी, श्री जी ने स्वयं बोला था धामधनी ने कि आज से 8वें दिन तुम्हारे तन से सकुमार की जागनी होगी, क्या हुई? फिर बाद में राज जी ने
क्या आंसी की लीला की कि शायद मैं भी बोल दूं ने तो भी मेरी बात शायद झूठी होगी, लेकिन वाणी का जो कथन है, ध्यान से वाणी का जो कथन है वही अटल सत्य, उस कथन को आप मानो, आपकी निष्ठा आपकी श्रद्धा आप वाणी पर रखो। तो मैंने आज सुबह को ये सुंदर सात को समझाया कि वाणी में बार बार लिखा गया कि अंतर आँखा, बार बार ये बंद करो, अंतर आँखा खोलो, अंतर आँखा खोलो। और खिलवत में लिखा कि अंतर आँखा तब खुले जो देखे वो नजर, अंतर आँखा तब खुले और देखे वो नजर। वैसी तो बहुत सी बातें वाणी में कई जगह, और बार बार अंदर की आंखों खोलो, रूह की आंखों से देखो, बार बार ये चरण में ये बात दोहराई गई है धामधनी। तो मैं यही पूछा उसको कि अंदर कोई ऐसे वाले भौतिक नेत्र, ये तो एक गोलक है, जैसे मान लो कि बल्ब में एलोजन में जो प्रकाश फेंक रहे हैं बाहर, ठीक है, उसके अंदर एक तांबे के तार से कोई केबल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बल्ब है, एक माध्यम बना है प्रकाश फेंकने का, जो तार निकाल दो उसमें से केबल का तो क्या प्रकाश आएगा? आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बल्ब जो है ये प्रकाश फेंकने का एक साधन है, एक माध्यम बना है, वैसे ये गोलक है जो देखने का एक जो माध्यम बना है, लेकिन अंदर जो चैतन्य, वो जो इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय है, वो चैतन्यता के साथ जीव के साथ जुड़ी हुई है। मान लो मैंने सुबह को यह भी समझाया, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि मान लो ये बॉडी एक बार डेड हो गया, मतलब ये बॉडी में से चैतन्य चला गया, जीव निकल गया, बॉडी निचेतन हो गया, ठीक है, आँख का गोलक तो वैसे ही रहेगा, आँख शायद खुली भी रह जाएगी जीव निकलने के बाद भी, ठीक है, जो बंद नहीं की होती तो क्या वो गोलक देख पाएगा? देख पाएगा क्यों? गोलक तो गोलक ही, उसमें से कुछ नहीं गया, मान लो बल्ब बल्ब ही है, उसमें से तार निकल गया तो बल्ब में से प्रकाश आएगा, तो गोलक तो वैसे ही है, लेकिन क्या उसी से हम देख पाएंगे, किसी को देख पाएंगे? तो मैंने बोला ये गोलक जो ये नेत्र है, वैसे वाला भौतिक नेत्र अंदर नहीं है, लेकिन एक ज्ञान चक्षु की बात कही गई, एक आत्मा के चक्षु की बात कही गई, तो कोई ऐसे तीन चार नेत्र अंदर नहीं है। नेत्र मतलब अंदर जो आत्मा के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान और राज्य के युगल स्वरूप जो विराजमान है सुंदर साथ जी, उसी के अंदर जो एक फरामोशी के जो परत लगी हुई है, और वाणी के माध्यम से अंदर की परत हटती जाती है, जब ये सुख अंग में आव ही तब छूट जाए विकार, तो ये परत हटती जाती है और आत्मा के अंदर ये तरंगे लहरें उठने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? मैं क्या समझाऊँ, शब्दों में नहीं आ रहा है समझाने के, आप समझ गए होगे मेरी बात, कि जैसे ही ये ऊपर के परत हटती जाएगी, ये विकार के आवरण हटते जाएंगे, अवगुण हटते जाएंगे, तो अंदर तो वही है, लेकिन ये पानी स्थिर नहीं है, इसलिए अंदर ही वाली चीज़ें दिख नहीं रही है। तो अंदर का चक्षु मतलब आत्मा के अंदर सुगंधि जब आने लगेगी, अभी तो उसने अपने स्वरूप को जीव मान लिया है ने, जीवे आत्म अंधी करी ले अंतस्करण इंद्रियो घेर, बताए ना चौपाई के माध्यम से, जीवे आत्म अंधी करी ले अंतस्करण इंद्रियो घेर। तो मैं सुबह को समझाया कि आत्म चक्षु कोई ऐसी वाली चक्षु अंदर नहीं है, तो बोले कि कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ये आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ये खुली आंखों से भी राज्जी दिखाई देंगे। तो मैंने आगे और भी समझाया कि सुंदर साथ जी खुली आंखों से कैसे राज्जी दिखेंगे, ये मान लो मैं खुली मेरी आँख है, जितनी देर मैं आपकी ओर नज़र करूँ, जितनी देर पेड़ की ओर नज़र करूँ, जितनी देर मेरे अंदर से मन की तरंगे और जगह चली जाएगी, तो जितनी मैं बाहर सोचा, जितनी देर मेरी दृष्टि अंदर की मन की तरंगे जहाँ जहाँ पहुँची वहाँ से विचार उठते रहे, अंदर संकल्प विकल्प शुरू हो गए, और अंदर तो संसार के कीचड़, संसार के कई बुरे विचार, संसार के और लौकिक विचार मेरे अंदर उठने लगे, क्या वहाँ कोई आनंद के विचार है? क्या वहाँ कोई प्रेम के विचार है? क्या बाहर कोई राज्य के सुख है? क्या
या प्रकृति के अंदर के कहीं है ये चीज पड़ी है क्या? तो मैंने ये भी बताया सुबह को कि जो प्रकृति की हर चीज में नजर करके राज्य की अनुभूति होने लगे, ध्यान से अंदर होने लगे, तो ये वेद शास्त्र या जो भी अभी ध्यान समाधिया जो जो मत पंथों में चल रही है ध्यान पद्धतियाँ, ये उसका चिंतन मनन आज जितने गुरुकुल जितने भी आचार्य आज सब लगे हैं, उसकी जरूरत ही क्या? प्रकृति की ओर देख लो, धामधनी मिल गए, मिल जाते ने? ये तो पेड़ में देख लो, बस उसकी ओर नजर करती रहो। हाँ ये है कि पेड़ की ओर मैं देखती रहूँ, मेरे मन एक एकाग्र हो जाए, मेरी मन की सब तरंग एक जगह एकाग्र हो जाए, मैं इसमें संयम करूं, ध्यान से मैं इसमें संयम करूं, तो मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, ठीक है? उससे मन की एकाग्रता थी, हमारा मन स्थिर होने लगता है, लेकिन उससे राज्य नहीं दिखेंगे, मन स्थिर होगा। लेकिन कोई प्रकृति की ऐसी चीज देख के तो मन शांत होता ही नहीं, हर पल बैठो ने, आप अभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, बैठे हो तो यहाँ, मैं कई बार चर्चा में बोल चुकी हूँ और आज फिर दोहरा रही हूँ, आप यहाँ नहीं बैठो, आपका जहाँ मन है ना वहाँ आप बैठे हो, आप बैठे हो तो यहाँ, लेकिन आपका मन अभी कमरे में चला गया तो आप यहाँ नहीं बैठो, आप कमरे में बैठे हो, आप जहाँ हो वहाँ आपका मन नहीं है, आपका मन जहाँ है वहाँ आप हो, समझ में आया? तो मैंने बहुत सी बातें सुबह को ली सुंदर साथ जी, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भी सुने गए, चर्चा रोज सुन रहे, तो मैंने बोला कि भाई किसी के बात को मैं प्रमाण देना चाहती भी नहीं हूँ, बहुत से प्रमाण आपने विद्वानों के मुख से सुना है, कई आचार्य जनों के, कई गुरुजनों के मुख से सुना है, मैं इस बात में विस्तृत चर्चा करके मेरा दिमाग खत्म नहीं, बस मैं तो राज्य की वाणी को मानती हूँ, मूल में राज्य को और राज्य की वाणी को मानती हूँ, बस इसी के बिना मैं किसी के कथन को, हाँ मैं महापुरुषों का गुरुजनों का सद्गुरु का कथन में मानती हूँ अवश्य चौकस, लेकिन ये वाणी के आधार पर हो तो, क्योंकि राज्य ने मेरे को भी बुद्धि दी है सोचने की विचारने की, तो यहाँ अंदर का नेत्र कोई वैसी वाली चक्षु नहीं है सुंदर साथ जी, जैसे ही हम आँख बंद करेंगे ना तो अंदर की भीतर की यात्रा में जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते अंदर शांत होने लगेगा, और अंदर की जो भी हमारी खूबियाँ निधियाँ में उसी के आगे आप अपना खुद का चिंतन करके आप देखिए, उसी के बारे में मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं कहूँगी और प्रसंग को हम आगे बढ़ाए। तो यहाँ 78 पक्ष शाखा से ही तो मैंने बताया कि ये जो वहाँ तक की पहुँच है, तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी के साथ मेरी बात विस्तृत हुई थी, मैंने बताया कि वल्लभाचार्य जी ने 82वें पक्ष अखंड गौलोक तक का वर्णन किया है, 10 भागवत के 10वें स्कंद को लेकर सुबद्धिजिनी के माध्यम से, तो आप उसके आगे कैसे कह पाते, और आगे बताया कि जहाँ जाए सब सुख, वही सतगुरु कौन है? या मैं सतगुरु की व्याख्या करूँ, परिभाषा बताऊँ, तो सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सतगुरु कोई महापुरुष का तन नहीं है, सतगुरु कोई अवतार नाम का तन नहीं है, सतगुरु एक पावर एक शक्ति जिसके अंदर जो महापुरुष के अंदर बैठी और उसने सत्य का निर्देशन किया, सत्य ज्ञान दिया, सत्य की आवेश शक्ति जिस तन में आई और ये आवेश शक्ति से वाणी उतरी, तो उसी तन को एक सतगुरु नाम की शोभा मिली, तो सतगुरु मेरे श्याम जी मैं एहनिस चरणे रहूं, संबंध मेरा याई सो मैं ताथे सदा सुख लेहू। तो यहाँ हम पहले चरण को समझे, 78 बख शाखा सही 108 पक्ष की शाखा है और आगे साला है गौलोक, पहले हम 108 पक्ष को समझे, तो 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन समरण अर्चन दास्य वंदनम सांख्यम आत्मनिवेदनम और पाद सेवनम, 9 प्रकार की भक्ति
उसमें तीन गुण सत्व रजो और तम, तो तीन गुण के भाव जब मिलाएंगे तो नौ तेरी सत्ताईस, सत्ताईस पक्ष हुए तो वहाँ तक कहाँ तक पहुँचा जाता है, स्वर्ग से आगे वैकुंठ तक, ठीक है। और इससे आगे स्वर्ग तक या वैकुंठ जो भी लो सब अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। उससे उसी के अंदर तीन भाव पुष्ट मर्यादा और प्रवाह, क्योंकि तीन भाव से भक्ति, कोई पुष्टता से भक्ति करते हैं, कोई मर्यादा में आते कि भाई कहाँ है तो चलो चले जाए एक दो दिन के लिए देहरादून से, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ऐसे ही कोई कोई मर्यादा से भी आते हैं, और कोई प्रवाह में कि भाई इतने दिन बीत गए अंतिम एक दिन सब जा रहे आसपास के गांव के लोग तो हम भी एक दिन मुंह दिखाने के लिए चले जाए, इसमें क्या है। पुष्टता वाली भक्ति तो और बहुत लोग करने वाले हैं, तो यहाँ जो प्रवाह में परंपरा में चलने वाले लोग हैं उसको कहा गया प्रवाह की भक्ति। तो तीन भाव ये मिले तो सत्ताई तेरी इक्यासी, इक्यासी पक्ष में वैकुंठ तक पहुँचा जाता है। और बयासीवां पक्ष श्री वल्लभाचार्य जी, जो कल मैंने और परसों भी बताया था हरिद्वार के प्रसंग में, तो वल्लभाचार्य जी का पक्ष बयासीवां अखंड गौलोक बेहद भूमिका में अव्याकृत में पहुँचे और अखंड गौलोक का ज्ञान दिया। तियासीमा पक्ष पंचवासनाएं सुखदेव शनकादिक कबीर शिव और महाविष्णु, ये पंचवासनाएं तियासीमा पक्ष में पहुंची और उसमें 25 पक्ष प्लस परम धाम के मिलाइए प्लस करिए तो 83 प्लस 25 तो 108 हो गए। धाम तलाव कुंजवन सोहे मानिक नेहरे वन की जो है पश्चिम चोगान बड़ो वन कहिए श्री पुखराज जी जमुना जी लइए आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। ये किसके पक्ष है ये 25 पक्ष, ये धाम धनी के क्यों कहा गया, राज्य के दिल के ही स्वरूप है। 25 पक्ष के एक बालू के कोण से लेकर पूरे परम धाम के आर सागर तक की एक पक्ष से लेकर 25 पक्ष की जो भी नियामत है जो भी शोभा बनी है ये राज्य के हकीकत के स्वरूप है। राज्य का दिल चिदगन स्वरूप का दिल मार्फत स्वरूप है, उस मार्फती दिल से ये हकीकत के परम धाम के 25 पक्ष प्रकट हुए लीला के रूप में शोभा के रूप में। और आगे साला है गौलोक, हमारी साला, साला किसको कहते हैं, जहाँ सब एकत्रित होते हैं, जहाँ सब एकत्रित होते हैं। मान लो कोई गौशाला होती तो सब गाय वहाँ एकत्रित होती ना गौशाला में, यहाँ हमारी गौशाला तो कितनी गाय साथ रहती है ना, एक साथ खाती पीती, ठीक है। तो ऐसे ही गौशाला वैसे ही यहाँ क्या बताया, साला गौलोक जो अखंड गौलोक योग माया ब्रह्मांड में आया है। तो हम सब पहले कहाँ एकत्रित हो गए, यहाँ से जाएंगे जब एक साथ जागसी बेला पोड़सी बेला खेल देखिया सैया सबन, हमारी सबकी जागनी आत्मा की एक साथ मूल तन में होगी परात्म तन में। लेकिन यहाँ से जब मैंने परसों विस्तार से बताया था कि यहाँ से जीव और आत्मा जब निकलेंगे तो पहले तो गुम्मट जी दरबार में महामती के धाम दिल में सब जीव जिसके लिए खेल खत्म हो गया और आत्मा भी उस चरणों में उस धाम दिल में एकत्रित होगी और एक साथ सब परम धाम की ओर वापस लौटेंगे, तब हम अखंड योग माया ब्रह्मांड में हमारा सबका वहाँ मिलन होगा। इसलिए साला है गौलोक, मैंने बताया था ना आठ प्रकार की करनी के हिसाब से वहाँ सबकी मुक्ति का जो स्थान बना है वहाँ न्याय के अनुसार सबको मुक्ति। तो पहला हम कहाँ एकत्रित हो गए, हमारा जीव कहाँ एकत्रित हो गए, अखंड योग माया ब्रह्मांड में। फिर आत्मा वापस कहाँ लौटेगी, परमधाम दिव्य हमारे परातम तन में। तो यहाँ
सबके जीव अखंड योग माया अखंड गौलोक में एकत्रित हो गए, इसलिए साला, तो सब एक साथ हो गए ने, तो वहाँ साला कहा गया। फिर सतगुरु चरण को क्षेत्र है, ये परब्रह्म, मैंने कल विस्तार से बताया है कि परब्रह्म राज्य के अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ, तो ये परब्रह्म की आनंद स्वरूपा अर्धांगिनी श्यामा जी, और श्यामा जी कौन है आनंद स्वरूपा, उसी ने ये निजानंद संप्रदाय में आगे हम अंतिम चौपाई में ये समझेंगे। तो यही परब्रह्म के, यही युगल स्वरूप के चरण कमल हमारा क्षेत्र है, हमारा निवास स्थान है, हमारा अंतिम ठिकाना ही युगल स्वरूप के चरण कमल है। मैंने एक दिन चौपाई में बताया था कि फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, ये हक कदम हृदय आवही तब फूल खुल जाए अंतर पट, ये चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन, गुण केते कहूँ इन चरण के आवे न माहे सुमार, इन वास्ते खेल देखाया रूह देखसी देखनहार। ऐसे तो बहुत सी चौपाइयाँ चरण की है, सिंगार की, सागर की, मैं क्या बताऊँ। चरण की, चरण मतलब राज्य के कोई जाहिरी जो चरण स्वरूप का बताया, यही चरण नहीं, चरण मतलब पूरा स्वरूप, चरण मतलब पूरा स्वरूप। हमारी रूह जब यहाँ से चितवन के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से जब परमधाम युगल स्वरूप के शोभा सिंगार में डूबेगी, तो पहले चरण कमल से, फिर आगे सुंदर साची उसकी चरण कमल की क्या शोभा बनी है, जिसका वर्णन सागर ग्रंथ के चौथे सागर और सिंगार में नख से सिख तक का महासिंगार में जो वर्णन किया गया है, और चरण कमल का तो 7 से 8 बार प्रकरण रखा है धाम धनी ने। ये चरण तीन में नख अंग, चरण परिक्रमा कदम निस्बत, ये कितने प्रकरण रखे हैं उसमें राज्य का चरण कमल, ऊपर के फने, टाकन, घूटी, कांडा, तली, तली की गहराई वाले लाख, लाख में लीके जो रेखाएं बनी है, उस लीक में कैसे राज्य के प्रेम का प्रवाह गंजान गंज इश्क प्रवाहित हो रहा है। तली की उज्जवल गौर, तली की लाली माँ को तो देखो सुंदर साथ जी, इतना नहीं आगे अंगुलिया, अंगुलियों के नाखून, नाखून में से भी करोड़ों सूर्य उद्दीप्त हुए, वो उसका जो प्रकाश हो, ये नाखून की हम स्वरूप में बोलते हैं। हक चलवन करे सब अंगूरी, जब राज्य के अंगूरी जब चलवन मतलब इधर उधर थोड़ी हिलती है, तो उस नाखून से कितना नूर, कितना प्रकाश निकल कर ऊपर चंद्रवा हरे रंग का है, उस चंद्रवा के चीर कर आगे और हवेली को पार करके और आगे नौ भौम को पार करके आकाशी चांदनी को पार करके आसमान तक कितना नूर जंग कर रहा है, फिर आसमान का नूर फिर नीचे ये जमीन पर आ रहा है। तो ये राज्य के चरण कमल की, नाखून की जो शोभा है, उसमें भी इंद्रावती ने बताया कि ये शोभा तो मैंने यहाँ के मसाला लेकर बताई, ये शोभा को मैं कभी भी राज्य के चरण कमल की बराबरी में समांतर नहीं कर सकती, लेकिन क्या कहूँ, कुछ न कहूँ, इससे कहना भला। और जो चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और जो कडला पहने हुए है, ये चार आभूषणों की क्या शोभा है। इससे आगे हम चले तो जो चरण में केसरी रंग की जार और राज्य की जो पिंडुरिया, उस शोभा को देखते हुए आगे हम कमर तक पहुँचे, कमर की शोभा, उस स्वरूप का जामा सफेद रंग का, केसरी रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका और सेंदुरिया रंग की पाग, और राज्य ने कमर
में जो पटुका बांधा हुआ है और इससे आगे गले में 5 हार शोभायमान, बाजू में बाजू बंद 3-3 फूंदन। ये शोभा को देखती देखती रूह और चरणों से आगे हम जब राज्य के गले पर पहुँचे तो हारों की शोभा देखी, बाजू बंद की और कलाई में जो कांडे में पहुँची, कड़े और अंगूरियों में मुदरिया और अंगुलियों के नखों से जो नूर निकल रहा है, और इतना नहीं मुखार विंद की ओ गौर उज्जवल लालिमा लिए हुए। मुखार विंद की तो बात ही क्या कहनी, उसकी तो शोभा ही क्या कहनी। मुखार विंद में अधूर हरवटी, लालिमा लिए हुए अधूर, ऊपर नासिका की शोभा, बेसर की शोभा, अंदर जिया की शोभा, दातुन कैसे आर पार और आगे गालों की शोभा कैसे ट्रांसपरेंट आर पार, लालिमा लिए हुए नेत्रों कैसे तिरछे नेत्र, नुकीले राज्य के नेत्र में से कैसे प्रेम बह रहा है। ये नेत्र भी प्रेम से भरे हुए, कोमल नेत्र, भौहें भ्रकुटी, नीलवट, नीलवट में तिलक कंचन का, बीच में लाल रंग की बिंदी, सिर पर सेंदुरिया रंग की पाग, पाग में दुगदुगी चंद्रिका कलगी और घुंघराले सुगंधित तेल से भिगोए घुंघराले बाल। ये राज्य की शोभा, ये चरण कमल। तो सुंदर साजी यहां से रूह पहले चरण कमल से, क्योंकि राज्य के मुखार विंद का नूर तो अनंत है, अपरंपार है, तो चरण कमल से। हाँ, जैसे जैसे अवस्था बनती जाती है तो जब नेत्रों की ओर रूह की दृष्टि सीधी भी पड़ सकती है, लेकिन नेत्रों का नूर सहन करने का अंदर सामर्थ्य बने तब तो। तो यहाँ चरण कमल की बात कही गई कि जहाँ चरण कमल को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। राज्य के चरण कमल में हम जब हमारी सुरता को ध्यान हम वहाँ लगाएंगे तो हमारे अंदर जो त्रिविध के ताप है, आदि व्याधि दुख, जो संसार के दुख कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाएंगे, ये सब मिट जाएंगे। ये संसार की जो अग्नि हमारे अंदर है, चाहे कोई भी काम क्रोध लोभ की हो, जब ये सुख अंग में आवही तब छूटी जाए विकार। तो यहाँ बताया कि सुंदर साची तुम्हारे अंदर युगल स्वरूप की शोभा जैसे जैसे आती जाएगी, और एक अंग को लग रही तिथि भई गलतान। ये तो आगे की बात है, लेकिन इससे पहले कहूँ कि जो परम धाम की रूह है, जब यहाँ से अपनी रूह के माध्यम से जब युगल स्वरूप की शोभा देखने के लिए आगे बढ़ेगी, मूल मिलावे में पहुँचेगी, जब वे पहले राज्य के चरण कमल को देखेगी तो परातम के चरण कमल सुंदरसा जी दिखने लगेंगे। मतलब राज्य के चरण कमल को देखेगी तो वो नेत्र की दृष्टि वहाँ खुली तो हमारे परातम के भी चरण कमल दिखने लगेंगे। इतना नहीं, राज्य के एक एक अंग को देखती जाएगी वैसे वैसे हमारी परातम की भी जागनी होती जाएगी, हमारी मूल स्वरूप की जागनी होती जाएगी। तो हम इस त्रिविध के ताप से अंदर, हमारा अंदर त्रिविध का ताप समाप्त होता जाएगा। यहाँ क्या बताया, जहाँ जाए सब शोक, शोक मतलब दुख दूर होते जाएंगे। आगे सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु जोय, वेद हमारो श्वसम है तीर्थ जमुना सोय। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन,
हमारा सुख विलास का स्थान कहाँ बताया इस चौपाई के माध्यम से? नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन, जहाँ हमारी महारास की अभी भी ये रासलीला अखंड है। ऐसी महारास की योग माया ब्रह्मांड केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में हमारी जो अखंड रास लीला हुई, तो सुख विलास किसको कहते हैं? जहां प्रिया प्रियतम, जहां आसिक मासुक, जहां अंगना और अपने अंगी प्रियतम प्राणनाथ की, जहां एकांत में लीला हो, उस स्थान को जहां लीला हो रही है, कभी भी वो वहाँ लीला समाप्त होगी नहीं, अनंत काल से हो रही है और अनंत काल तक ये लीला होती रहेगी। और वहाँ एकांत की लीला क्यों कहा गया? कि वहाँ राज जी, श्यामा जी और सखियों के सिवा और कोई है ही नहीं, वहाँ और किसी का स्थान है ही नहीं, उसको कहते हैं सुख विलास का स्थान। तो ये सुख विलास का स्थान मैंने परमधाम का बताया कि जहाँ खिलवत तो हमारी मूल मिलावा है, लेकिन पूरा परमधाम ही खिलवत है, जहाँ आसिक मासुक की लीला हो रही है। लेकिन यहाँ नित्य वृंदावन में जो सुख विलास का स्थान बताया गया वो क्या स्थान है? तो यहाँ नित्य वृंदावन में अक्षर की आत्मा राज्य के आवेश के साथ हमारी जो लीला हुई, सुख की लीला हुई, प्रेम और आनंद की, प्रेम के विलास की लीला हुई, जिसमें से आनंद प्रकट हुआ, तो इसलिए कहा गया कि सुख विलास नित्य माहे वृंदावन। नित्य मतलब अखंड, अनादि, जब कभी भी उसका नाश न हो। और ऋषि महाविष्णु जोई, हमारा ऋषि महाविष्णु क्यों कहा गया? महाविष्णु आदि नारायण, क्योंकि राज्य के हुक्म से, अक्षर के अंतस्करण धाम दिल से ये ज्ञान धारा बही और ये ज्ञान धारा नारायण के दिल में आई और नारायण के दिल से ये धर्म ग्रंथों का ये जो भी ये ज्ञान है ये सुंदर सा जी इस संसार में प्रवाहित हुआ। यहाँ बीच में ऋषि मतलब एक सूत्र जोड़ने का एक माध्यम बने, तो यहाँ ऋषि महाविष्णु जोय। और वेद हमारो स्वसम है और चार वेद तो इस संसार में सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो चार युग कहा गया उसमें सतयुग से चार वेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का चार ऋषियों के द्वारा मैंने कल बता दिया था कि अवतरण हो गया, प्रकटन हो गया। और पांचवा जो स्वसम वेद, स्व मतलब खुद पोते, परम ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, वेद मतलब ज्ञान, वो लेके आने वाले थे। अपने घर का ज्ञान तो खुद वो ही लेकर आए, इसलिए उसको स्वसम वेद कहा गया, आत्म वेद कहा गया। और परम ब्रह्म की ज्ञान धारा जिस धर्म ग्रंथ मतलब पांच में वेद कुलजम वाणी में आई, उसमें आत्मा और परम तत्व परमात्मा के सिवा और कोई दुनिया की बात नहीं है, उसको कहते हैं स्वसम वेद, आत्म वेद। और तीर्थ जमुना सोई, हमारा तीर्थ क्या है सुंदर सात जी? हमारा तीर्थ क्या है? क्या यहाँ जो मथुरा में जमुना जी बहती है वो? ये हमारा तीर्थ और आगरा में भी बहती है ना? वो नहीं, ये तो महाप्रलय में एक दिन ये प्रकृति पूरा लय हो जाएगा। लेकिन यहाँ तीर्थ जमुना जी की बात, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, मेरे प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल जी लिए,
पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत की जे रात, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास मारा वाला जी, चलो जमुना जल झीली। सुंदर सा जी परम धाम में अक्षरधाम और रंग माहौल के बीच में केल पुल बट पुल के बीच में जो पाट के घाट आए दोनों ओर अक्षरधाम और रंग माहौल की ओर, और बीच में जो जमुना जी केल के पुल से निकलकर दस घड़ नाले दस थम के बीच में सुंदर साथ जी जो जमुना जी बह रही है, और पाट के घाट से निकलकर फिर बट के पुल से निकलकर जब होज कौसर में मिलती है वही जमुना जी हमारा तीर्थ है, यहाँ की जमुना जी नहीं। और आगे देवी ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास निजानंदे संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश श्री दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम कहाँ आया है? हमारा धाम कोई स्वर्ग नहीं है, हमारा धाम कोई वैकुंठ धाम नहीं है, हमारा कोई गौलोक धाम नहीं है, हमारा कोई अक्षर धाम भी नहीं है। हम यहाँ से निकलेंगे आत्मा के स्वरूप में तो जाके सीधा कहाँ रुकेंगे? अंतिम हमारा डेस्टिनेशन कहाँ, हम लक्ष्य हमारा केंद्रित है कहाँ, हम पहुँचेंगे? परम धाम मूल मिलावे में रंग भोल में। तो यहाँ दिव्य ब्रह्मपुर धाम में हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, तो ये हमारा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के अगम पार अपार पार जहाँ है तेरा हो मेरी वासना। तो कहाँ है हमारा धाम? उसका मुंडक उपनिषद में सुंदर सा जी प्रमाण दिया गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम व्योमनि आत्मा इत प्रतिष्ठितम, जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है वहाँ हमारी हम सब आत्माएं हम अक्षरातीत के साथ ऐसी दिव्य लीला करती है, यही हमारा धाम है। और आगे घर अक्षरातीत निवास, वो किसका निवास है? वहाँ अक्षरातीत हमारा निवास है। अक्षरातीत ना मतलब हम किसकी अर्धांगिनी है? अक्षरातीत की, उसकी हम आनंद स्वरूप है। एक सिर्फ श्यामा जी नहीं, हम सब रूहे अक्षरातीत की आनंद स्वरूप है। मान लो कि हम यहाँ जब यहाँ भी एक संसार की एक लौकिक लीला में भी कोई पत्नी जब पुरुष के साथ उसकी शादी विवाह होता है तो जब उसका पूर्ण अधिकार उस घर परिवार पर घर पर पूरी जो धन संपत्ति की जो मिलकत उस पर पूरा अधिकार जमा सकती है, पूरा अधिकार उसका बन सकता है, तो यहाँ घर अक्षरातीत निवास उसमें क्या बताया कि हमारा घर अक्षरातीत और हमारे रंग महल जो है उस पर अक्षरातीत निवास लिखा नहीं गया, मतलब हमारा रंग महल ये हमारा ठिकाना है, हमारा अक्षरातीत निवास है। जैसे हम यहाँ घर पर लगते ने कोई अक्षरातीत निवास लगते, कोई प्रणाम लिखते, कोई निजानंद लिखते, ऐसे बहुत से नाम लिखते, तो यहाँ भी बताया कि हमारा रंग महल अक्षरातीत निवास है और उस घर में हम रहने वाली है, वहाँ हमारी धनी की लीला हो रही है, उस लीला में हम अष्ट पहर दिन 64 घड़ी डूबने वाली है, तो पूरा परम धाम पर हमारा अधिकार है और पूरा परम धाम का 25 पक्ष हमारे नाम पर है, ये हमारे नाम पर उस पर पूरा हमारा अधिकार है। और आगे क्या बता? निजानंद संप्रदाय, हमारा संप्रदाय निजानंद, निज का आनंद, संप्रदाय का नाम क्या बताया? निजानंद। तो हमारा आनंद निजानंद कौन है? आनंद स्वरूप श्यामा महारानी। वो किसका अंग है? राज्य प्रेम का, तो प्रेमानंद मतलब प्रेम के स्वरूप आनंद और आनंद के प्रेम के आनंद और आनंद से मतलब निजानंद, तो वो प्रेम और आनंद के स्वरूप जो है उस चरणों में हमारी सुरता लगेगी तो वो प्रेम और आनंद हमारे
अंदर आएगा। तो सुंदर साथ जी, तो ये जो पद्धति चली, ये सिद्धांत के माध्यम से धाम धनी ने इस पद्धति द्वारा हम सबको क्या सिखाया, क्या बताया इस प्रसंग के माध्यम से कि निजानंद कोई संप्रदाय, छोटा सा एक बाड़ा, एक पंथ, एक मत नहीं है। आज संसार में हर चैतन्य प्राणी, ध्यान से, हर चैतन्य प्राणी क्या चाहता है? प्रेम, आनंद और शांति। हर चैतन्य की इच्छा रहती है ना कि हम प्रेम को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। और हर क्षण चैतन्य प्राणी चाहता है कि बस कहीं भी शांति मिल जाए। देखो आज संसार में लोग भागे जा रहे हैं, क्यों? सबको शांति चाहिए, किसी को शोर में रहने की इच्छा ही नहीं होती। बस सब शांति के लिए आज मंदिरों की ओर भाग रहे, कोई मस्जिदों की ओर भाग रहे, कोई गिरजाघर की ओर भाग रहे हैं, कोई चर्च की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, कोई आश्रम मठा मठ मंदिरों की ओर भाग रहे हैं। पता नहीं कि प्रेम, आनंद और शांति है तो कहाँ पर है? जहाँ जो उसका स्वरूप है, प्रेम, आनंद और शांति का स्वरूप है, उस चरणों में जाएंगे तभी तो शांति मिलेगी। लोग जहाँ नहीं है वहाँ खोज रहे हैं, लोग जहाँ हमारा खोया हुआ कोई भी वस्तु हो, खोई हुई कोई भी चीज हो, जहाँ खोई है वहाँ खोजेंगे तभी तो मालूम पता लगेगा और मिलेगी। संसार खोज रहा है संसार में, और वो प्रेम आनंद शांति कहाँ है? परब्रह्म के चरणों में। तो ये परब्रह्म के जो चरणों में प्रेम आनंद और शांति है, वही आनंद का सुख लेकर, वही प्रेम का सुख लेकर, वही परम धाम का ज्ञान लेकर कौन आया इस संसार में? स्वयं अक्षरा तीत हमको खेल देखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। ये ज्ञान लेकर, लेकिन संसार आज एक परमात्मा के नाम पर अनेकों की जो भक्ति कर रहे हैं, और पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर के हावे। शास्त्रों सब पंथ सब जुदे जुदे, अनेक शास्त्रों बोलावे। बोलते तो है कि परमात्मा एक है, एक है, लेकिन एक के नाम पर हजारों की भक्ति करते हैं। तो वहाँ प्रेम आनंद शांति, जो देवी देवता का पूजन, जो भी अवतारों का हो रहा है, उसी के पास प्रेम आनंद शांति नहीं है तो बेचारे भक्तों को क्या देंगे? ये तो परब्रह्म के चरण कमल में है, इसलिए यहाँ श्री निजानंद संप्रदाय, संप्रदाय कोई हमारा छोटा सा, जैसे और मत पंथ संसार में चल रहे हैं, ऐसा वाला कोई छोटा सा ये बाड़ा पंथ नहीं है। ये तो एक पद्धति चली, एक विचारधारा चली, और इस विचारधारा में जिसने अपने आत्मा का आनंद प्राप्त करना था, अपनी आत्मा का निजानंद, स्वयं का, खुद का आनंद क्या है, तो खुद का आनंद तो परमधाम के राज्य के प्रेम में के सागर में डूबेंगे तो ये सागर में से आनंद प्रकट होगा, क्योंकि राज्य का प्रेम का सागर जो लहरा रहा है परमधाम, पूरे परमधाम में उसमें तरंगे लहरे जो वेव्स उठ रहे हैं वो किसके है? आनंद के। तो यहां क्या बताया? वही निजानंद का सुख लेकर यहां आए। तो जो विचारधारा, जो सिद्धांत चले, इसलिए यहां संप्रदाय संसार की और लेकर ये संप्रदाय का नाम बताया गया। लेकिन संसार में आज जो हिंदू धर्म में 1200 जातियाँ और 1000 मत तो सिर्फ हिंदू में चल रहे, वैसे वाला पंथ कोई सीमित ये बाड़ा नहीं है, ठीक है। ये तो अगाध और अनंत सुंदर साजी, और सबको मुक्ति, अखंड मुक्ति देने की ये बात है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि हे संत जनों, हे आचार्य जनों, ये आपके प्रश्नों का जवाब है, उत्तर है। और कोई पूछना है आगे? यहाँ तक तो बोल दिया कि आपके प्रश्नों का, आप 18 दिन से सुन रहे हो तो ये आपके प्रश्नों का ये उत्तर है। और कोई पूछना है क्या? आगे अंतिम चौपाई में बताया, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदाय, यह धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद
धनी देवचंद्र जी को निजानंद क्यों कहा गया? मैंने अभी अगली जो बात छोड़ी ना वो जोड़ दो। परम धाम से जो ज्ञान धारा आई, मैं एक चौपाई बोलूं आपको समझ में आ जाएगी, इन वाणी से होत है, ज्ञान से, इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बक्का, ये श्यामा जी की रसना पिलावत रस रब का। क्या बताया? इन वाणी से, ये वाणी हम पढ़ेंगे ने तो नजर पड़े बीच, ये वाणी में क्या लिखा है? क्या राजायण की कथा है? क्या कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम है? क्या संसार में अभी जो कथाएं चल रही है वो है क्या? नहीं। इन वाणी से होते नजर पड़े बीच, इन वाणी में क्या लिखा है? तो बोले के हमारी खुद की लीला, खुद की बात, हमारी घर की परम धाम की बात। हम पहले कहाँ थे, फिर कहाँ गए, फिर जागरणी ब्रह्मांड में कब आए, जागरणी ब्रह्मांड के बाद फिर सातवें दिन में कहाँ जागृत हो गए, ये सब लीला मूल मिलावे से लेकर इश्क रबत से लेकर फिर वापस सातवें दिन की लीला का जो इसमें ज्ञान लिखा हुआ, आत्म तत्व परम तत्व की जो बात लिखी हुई है, तो इसको क्या बताया गया? धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, मैंने इन वाणी से होते, तो ये जो बात हम पढ़ेंगे ना वाणी खोलकर, तो हमारी नजर कहाँ चली जाएगी? जो पढ़ा वहां तो जाएगी, ब्रज का पढ़ा तो ब्रज में चली जाएगी, रास का पढ़ा तो रास में चली जाएगी, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे तो कहाँ जाएगी? परम धाम के 25 पक्ष में श्रृंगार पढ़ेंगे तो कहाँ जाएगी नजर? युगल स्वरूप की शोभा में। इसमें भी राज्य का श्रृंगार पढ़ेंगे तो कहाँ जाएगी? श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ेंगे। और इसमें भी किस अंग को पढ़ रहे फिर वहाँ पहुँचेगी हमारी नजर। मान लो हम नेत्र अंग, श्रवण अंग, जुबान अंग पढ़ते हैं ना हम श्रृंगार में, मैं तो क्या पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, मैं कम पढ़ती हूँ सच में। ये राज्य बस यहाँ बुला देते हैं क्या क्या वाणी में है। बहुत टाइम से सच में मैं बहुत बार याद करती हूँ कि हमारे सुंदर साथ कहीं टाइम से श्रृंगार में लगे, डूब रहे, लगे नहीं। राजी मेरे को कब ये अवसर देंगे कि मैं भी श्रृंगार में डूबूं? लेकिन ये अवसर मिल ही नहीं रहा है। बस राजी बैठने के बाद थोड़ा कुछ अंदर बस पाया है, ये राजी बता देते हैं। तो यहाँ देवचंद्र जी निजानंद, तो ये देवचंद्र जी के अंदर ये श्यामा जी बैठी थी ने, अभी बोला ने, ये श्यामा जी की रसना पीलावत रस रब का, इसलिए धनी देवचंद्र जी का यहाँ नाम लिया गया कि श्यामा जी की रसना से, उसकी जिह्या से। लेकिन कहने वाले कौन है अंदर बैठ के? पीलावत रस जिसका है वो तो पिलाएंगे। एक बात और गहरी है, जिसका है वो पिलाएंगे, लेकिन जिसकी है उसको तो पिला पाएंगे? समझ में आया? जिसका है वो पिलाएंगे, लेकिन जिसकी है उसको तो पिलाएंगे, दूसरी को थोड़ी पिलाएंगे। जिस सृष्टि की यहाँ बैठी है उसके सामने हम रस पिलाने लगेंगे, क्या वो पिएगी? उसको क्या आएगा? नींद आएगी, जबकि लग जाएगी ने। अरे कहाँ की बात करते हैं, देवचंद्र जी के समय में जब बुखराज का वर्णन हो रहा था माणिक पहाड़ का, तब क्या बताया? वो जो नाई था बाल काटने वाला, अरे ये कहाँ का गप्पे है, कहाँ के गप्पे मारे, चलो मैं तो जा रहा हूँ। तो यहाँ बताया कि जिसकी उसके सामने तो खोले, लेकिन समय साथ तीन प्रगट कर संप्रदाय। तो ये श्यामा जी फिर कहाँ बैठ, श्यामा जी के दिल में भी युगल स्वरूप तो बैठ ही गए थे तीसरे दर्शन में, ठीक है। वही श्यामा जी ने जो ये विचारधारा कैसी, निज का आनंद प्राप्त करने वाली, अखंड का ज्ञान देने वाली, परम धाम का ज्ञान देने वाली जो ये सिद्धांत चलाए, इसलिए बोला ये निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया। तीन थे हम ये लकी है, हम द्वार पावे अब ते है, उन्हीं के ज्ञान, यही ज्ञान को हमने ग्रहण किया। किस ज्ञान को? ये तारतम वाणी के
ज्ञान को। लेकिन सुंदर साची मैंने कल भी बताया था, यह ज्ञान चौथे दिन में नहीं उतरा, वही स्वरूप श्यामा जी स्वरूप फिर पांचवें दिन में महामती के धाम दिल में बैठे और पांचवें दिन में वाणी उतरनी शुरू हो गई। तो यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि यही ज्ञान को हमने ग्रहण किया और इस ज्ञान के द्वारा ही परम धाम के सब दरवाजे खुल गए और आगे हम इस संप्रदाय पद्धति को पूर्ण करके आगे के प्रसंग में हम आगे बढ़े। जब श्री जी ने ये पद्धति को, निजानंद संप्रदाय पद्धति को पूर्ण करके सब आचार्य जनों को, संत मनीषी जनों को, अपना इष्ट गोत्र जो भी सुंदर साजी सब समझाया और उसी के बाद जब श्री जी आगे कहाँ जाएंगे, दिल्ली की ओर, तब मैंने कल भी दोहराया था इसलिए मैं थोड़ी रुक रही हूँ कि कल मैंने अंतिम ये दोहराया था कि उसी के बाद श्री जी की जब आरती उतरी, ध्वजा भी फहराई और शाखा भी शुरू की और जो निशान थे वो भी मिल गए और इसी समय अंतिम चौपाई हम दोहराए कि इन समय खिजमत में रहता था गरीब दास, खान सामा खिताब दीवान का कहिया कलाम खास। जब ये हम हरिद्वार के कुंभ के मेले में चार मास बीत गए तब तक सुंदर साथ की जो सेवा करने की, खाने पीने की और प्रबंधक के रूप में कौन रहता था, नागजी भाई गरीब दास, उस पर सब जिम्मेदारी थी। तो श्री जी ने उसको खान सामा खिताब का, खान सामा नाम का खिताब दिया। उसके बाद ये लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। यही समय लाल दास जी को ये सब धर्म ग्रंथों का रखने का जो आदेश हुआ था, तभी लालदास जी भी श्री जी की आज्ञा के अनुसार ये सेवा करते थे। और आगे की चौपाई हम औरंगजेब को पैगाम कैसे पहुँचाए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चार इत भये फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर श्री जी हरिद्वार से चलकर कहाँ पहुँचे, दिल्ली। कहाँ पहुँचे, हरिद्वार से चलकर दिल्ली पहुँचे और हरिद्वार में चार मास व्यतीत हो गए और वहाँ से आकर सब सुंदर साथ को मिले, जो छोड़ा था ने, सबको छोड़ा था, वो सब सुंदर साथ को आकर मिले और राज जी ने अपनी नजरों तले, अपनी छत्र साया के नीचे अपनी मेहर तले रखा, सबकी संभाल ली, देखभाल ली। और आगे फिर विचारणा करते हैं कि भाई क्यामत संबंधी जो सात निशान है, और इतना नहीं आखरुल जमा इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, साहिबुज्जमा प्रकट हो चुके हैं, ये संदेश देने के लिए क्या करना चाहिए, उस बात पर विचार विमर्श करते हैं। और विचार विमर्श करने के बाद श्री जी सोचते हैं और सुंदर साथ को लेकर साथ में कि हम ऐसा करें कि बुढ़े, महिलाएं और बच्चे को एक एकांत जगह पर रख के हम सिर्फ युवा वर्ग को लेकर उस संदेश को देने के लिए हम जाए कहाँ, दिल्ली औरंगजेब बादशाह के पास। फिर श्री जी ने जब ये विचार विमर्श सुंदर साथ के साथ मिलकर किया और सब वृद्ध महिलाओं को अनूप शेर में विचारा, क्या सोचा, अनूप शेर में चलो वहाँ लेकर चले और अनूप शेर की ओर श्री जी चल दिए और वहाँ सबको रख के श्री जी फिर दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। और आगे सुंदर साह जी बताया कि उसी समय एक अनूप शेर का चौधरी पाठक था, वो भी वहाँ दर्शन करने के लिए आता था।
लेकिन उसने एक बाहरी उपली पहचान की थी, एक अत्र का कोई शीशा भी लेके इत्र का भी शीशा भी लेके आता था, लेकिन ये पहचान भले उसमें अलग अलग सबका नाम हो और अंदर अंकुर भी नहीं होगे शायद, तो पहचान नहीं हो पाई। और छोड़कर यहाँ श्री जी आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में आके शाहगंज मोहल्लों में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? शाहगंज मोहल्लों में पहुँचे और वहाँ जाके फिर सुंदर साध के सामने विचार विमर्श किए कि औरंगजेब बादशाह तक ये संदेश कैसे पहुँचाया जाए। उसी के बाद वहाँ एक बिहार जी महाराज को एक पत्र श्री जी दिल्ली से भेजते, किस बारे में कि हैयाँ कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ किस किस सुंदर साथ की, कौन कौन सुंदर साथ की जागनी हुई, ये जागनी संबंधी एक पत्र भी नवा नगर नौतनपुरी भेजते हैं। फिर से सुंदर साथ जी श्री जी वहाँ से लाल दरवाजे की हवेली में आते हैं और वहाँ सुंदर साथ के साथ विचार विमर्श करके कि क्यामत संबंधी इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, उसी के बारे में हम एक पत्र तैयार करें और औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाया जाए। तब श्री जी ने बोला सुंदर साथ को कि हे सुंदर साथ जी, आप उस नजदीक की उसकी नजीक की कोई व्यक्ति हो उसको मिलो और यह पत्र पहुँचाए। तो नजदीक में पहले शेख सलेमान को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? पहले शेख सलेमान को मिलते हैं और शेख सलेमान के बाद सुंदर साथ जी यहाँ आसाजित वकील को पहले मिलते हैं। कौन किसको मिलते हैं? आसाजित वकील को मिलते हैं और आसाजित वकील को मिलके क्या बात रखते उसके सामने कि हे वकील, हे आसाजीत, और मोहम्मद साहब की सिफत भी वहाँ गाते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में जब कुरान को लेकर प्रशंसा बताई उसकी सिफत गाई तो आसाजीत का ईमान जो था वो डगमगाने लगा। उसने क्या सोचा, आसाजीत वकील ने क्या सोचा कि अरे ये तो हिंदू बनकर मुसलमान की और मुसलमान के धर्म ग्रंथों की ये तो गाथा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर हमारे हिंदू पक्ष की गरिमा ही कहाँ रही, क्योंकि उसको पहचान ही नहीं थी कि मोहम्मद साहब कहाँ तक पहुँचे हैं और नारायण की पहुँच कहाँ तक है। ये जो आसाजीत वकील था वो आसाजीत वकील हिंदू था, तो यहाँ हिंदू धर्म में हिंदू पक्ष का कोई महत्व ही नहीं रहा ये उसने सोचा, क्योंकि मोहम्मद साहब की सिफत उसने सुनी। तो यहाँ सुंदर साथ जी धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि उसके अंदर सत्य ज्ञान का अभाव था। किसके अंदर? ये आसाजीत वकील के अंदर सत्य ज्ञान का अभाव था कि उसने एक संप्रदाय एक पंथ मानकर एक सीमित दायरे में बांध दिया था कि यही हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म जो मत पद्धति प्रचलित की है वही सत्य है वही अखंड है, लेकिन सत्य क्या है उसको पता नहीं था। लेकिन यहाँ धर्म का वास्तविक स्वरूप कोई वेशभूषा या कोई रीति रिवाज या कोई देश काल उसी में नहीं बांधा जाता, क्योंकि वो तो उससे सर्वथा परे है, वो तो उससे सर्वथा परे है। और सुंदर साथ जी वास्तविक ज्ञान की पहचान न होने के कारण उसके अंदर रूढ़िवादिता मानसिकता ऐसी घर कर गई थी कि उसने यही मान लिया कि कुरान में जो ज्ञान है वो तो मुस्लिमों का है। लेकिन सुंदर साह जी संसार में जितने भी मत पंथ चल रहे हैं वो सबके मूल में तो सत्य एक है, सबके मूल में तो सत्य एक है, चाहे वेद लो चाहे उपनिषद लो, सब एक स्वर में कहते हैं। क्या कहते हैं?
ये परब्रह्म एक है, उसकी बराबरी का कोई दूसरा, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वैसे वेद का भी एक कथन है कि न त्व अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, उसी के बराबर कोई नहीं था, भविष्य में भी कोई नहीं होगा। वो परब्रह्म तो एक है, सब सबका एक है, क्योंकि सबके लिए मूल तो एक है, सत्य तो एक है। और आज हमारा हिंदू समाज इसमें 90-95% एक परब्रह्म की आस्था निष्ठा को छोड़कर ये जड़ मूर्ति, ये पानी पत्थर आग देवी देवता गोबर शालिग्राम शिवलिंग उसकी पूजा में ऐसे ही अंधेरी खाई में पड़ गए सुंदर साथ जी कि उसको पता ही नहीं कि वेद और उपनिषदों का क्या कथन है, क्या सही में सत्य है, क्या वास्तविक है। तो यहाँ आशाजीत वकील का जो भाव था वो तो आज जो हमारे हिंदू समाज जो भटकाव में है तो उसी को उसने सच्चा मान लिया, वही सत्य है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी में तो क्या बताया है, तेलो की मेरे उत्तम खंड भरतनो तामे उत्तम हिंदू धर्म आन, तेलो की मेरे उत्तम खंड भरतनो, ये त्रेलो की पाताल स्वर्ग और ये मृत्युलोक और बैकुंठ तक, त्रैलोकी में उत्तम खंड कौन सा है, ये भरत खंड, जम्बूद्वीप में भरत खंड, उसमें हिंदू धर्म श्रेष्ठ है महान है। लेकिन आशाजीत को यहाँ यही पहचान नहीं थी क्योंकि ज्ञान के चक्षु उसके नहीं खुले थे। तो उसने क्या बोला कि अरे ये तो मोहम्मद की सिफत गा रहे हैं। फिर आशाजीत को सुंदर शाह जी छोड़ दिया और आशाजीत ने क्या बोला कि अरे अब तक तो मैंने बिना सिर के आदमी को सुना था, लेकिन आज तो मैंने बिना सिर के आदमी को मेरी नजरों के सामने प्रत्यक्ष मैंने देखा है। आज तक तो मैंने बिना सिर के आदमी को सुना था, मतलब आदमी का सुना था, लेकिन आज तो मैंने प्रत्यक्ष बिना सिर वाले आदमी देखा। बिना सिर मतलब हर पल धर्म के लिए मर फिटे, उसको कोई मौत की डर ही न हो, मतलब अपने सिर का अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल ही न करे, बस हर पल अपने धर्म के नाम पर कुर्बान हो, उसको कहते बिना सिर के आदमी। फिर सुंदर सात ने ये विचारा कि भाई आशाजीत तो मानने वाला नहीं है, उसकी ऐसी नकारात्मक मानसिकता को देखकर उसको छोड़ दिया। फिर श्री जी ने सब सुंदर साथ के साथ विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद जो नजीक के व्यक्ति थे कौन, शेख सलेमान, और शेख सलेमान को मिले और शेख सलेमान को मिलके क्या बताया सुंदर साथ ने कि हे शेख सलेमान तू हमारा संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दे, तो जो तेरी संसार की जो भी आशाएं है जो भी तेरी इच्छाएं है वो सब खुदा ताला अल्लाह ताला पूर्ण करेंगे। और ये शेख सलेमान इससे पहले श्री जी को दो बार मिल चुके थे और उसके अंदर अम्ब्रह्म सृष्टियों के प्रति बुरे विचार भी थे, शेख सलेमान के अंदर हमारे प्रति विरोध भी था, बुरे विचार भी थे। यहाँ सुंदर साथ ने एक शेख सलेमान के सामने एक शर्त रखी, क्या शर्त रखी
आप आगे सुनिए, शेख सलेमान को सुंदर सात ने बोला कि हे शेख सलेमान, जो हमारा संदेश तो बादशाह तक पहुंचा देगा ने, तो तेरा क्या काम होगा? ये सत्य जाहिर हो गए ना इस संसार में, तो तेरे विरोधी लोग हैं, ये भी तेरे चरण में आएंगे, नतमस्तक हो गए। इतना नहीं, और औरंगजेब बादशाह का जो तेरे समुदाय में जो दबदबा चल रहा है वो भी शांत हो जाएगा। और ये सत्य जब प्रचारित हो जाएगा, औरंगजेब बादशाह जो इसकी पहचान कर लेगा, तो आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो झगड़े चल रहे वो भी सब समाप्त हो जाएंगे, और खुदा ताला तेरी इच्छा को, तेरी आशा को भी पूर्ण करेंगे। तो हे शेख सलेमान, तू हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचा दे। तो सुंदर साथ जी, आज हिंदू और मुस्लिम में आज जो झगड़े हो रहे, आज कितने समय से हम देख रहे, वैसे तो मुगल शासन का समय कहाँ से चला, हमने पहले दिन सुना था कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके पुत्र बादशाह औरंगजेब, तब तो हमने 800 साल तक ये उसकी गुलामी को सहन किया, 200 साल अंग्रेजों को सहन किया, 1000 साल की गुलामी हमने सहन की। इतना नहीं, आज सुंदर साथ जी धाम धनी क्या बता रहे हैं उनको कि आज जितना धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे, इतना कोई सामाजिक या राजनीतिक ये झगड़ा तो कम है, आज धर्म के नाम पर कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कि शायद अभी जो नदियाँ बह रही है ये पानी की वो कम पड़ेगी, इतने रक्त, इतने खून बहे हैं, इतने लोगों ने कुर्बानी दी है धर्म के नाम पर, कि आज जो हम पहाड़ी संसार में देख रहे हैं, चाहे हिमालय हो, गिरनार हो, या जो भी कोई भी पहाड़, ये पहाड़ भी छोटे पड़ेंगे, कि इतने मनुष्य की हड्डी के ढेर बन गए हैं। इतना नहीं, धर्म के नाम पर इतने झगड़े संसार में हुए हैं कि कितना संसाधनों, कितने अस्त्र शस्त्र, घन मशीन या जो भी अभी लड़ाई के नाम पर इस्तेमाल हो रहे, उसमें कितने पैसे, कितने धन संपत्ति का खर्च व्यय हो रहे, कि इतने पैसे आज हम इस देश को जागृत करने में, इस देश के अंदर क्रांति लाने में, इस देश के अंदर क्या उजागरता लाने में, जो बड़े बड़े कोई महाविद्यालय या कोई गुरुकुल आदि शिक्षा संस्थान खोल दे, और उसी में से कोई ऐसे विद्वान निकले, और आज ये सब धर्म के नाम पर क्यों झगड़े हो रहे, आप आगे सुनिए कि सुंदर साहब जी, आज भारत देश में बड़े बड़े मंदिर बन गए, बड़े बड़े मठ बन गए, चारों बड़े बड़े चारों दिशाओं के धाम बन गए, और आज हम सुनते सबरी मंदिर, पद्यनाभ मंदिर, तिरुपति के बड़े बालाजी के मंदिर, या मदुराई के मीनाक्षी मंदिर, ये साईं बाबा के शिरडी मंदिर, द्वारिका के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर, ऐसे बड़े बड़े संस्था या मंदिर जो हम देखते हैं, तो उस मंदिरों में भी आज क्या हो रहा है? यह शेख सलेमान को नहीं समझाया जा रहा है, आने वाले समय में ये जो बीतक है ने सुंदर साथ जी, ये बीतक भविष्य में क्या घटना होने वाली थी, और हम जो सुंदर साथ इस संसार में रहेंगे तब तक ये बीतक घटती रहेगी, ये बीतक कोई पूर्ण नहीं हुई है, 400 साल से ये परंपरा में चलती आ रही है और भी चलती रहेगी जब तक वो इस संसार में रहेंगे।
तो कोई एक शेख सलेमान को नहीं समझा रहे कि ये संसार के अंदर जो आज धर्म के नाम पर सब लड़ मर रहे हैं, तो आज हमको इस संसार में जो वर्तमान में चल रहा है यही समझा रहे धामधनी कि बड़े बड़े मंदिर तो खड़े कर दिए लेकिन वहाँ कोई प्रचार प्रसार के नाम पर कोई विद्वान नहीं है, कोई ज्ञान की सुगंधि नहीं मिलती। ये बड़े बड़े मंदिर बनने से क्या प्राप्त होगा, क्या पाया संसार के भक्त जनों ने, क्या पाया संसार के मनुष्य जनों ने, जो भी आज धर्मशास्त्र संसार के प्रारंभ से इस संसार में आए। सुंदर सा जी, ये तो मंदिरों में या कोई लाइब्रेरी में पढ़े रहे, उसको पढ़कर कोई विद्वान बने होंगे और एक एक मंदिर में कोई छोटा सा गुरुकुल खोला होता तो आज जिस समय में चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए, ये चाणक्य के सामने सिकंदर जब भाग छूटा निकल गया, ऐसा कोई अभी सुंदरसा जी चंद्रगुप्त के चाणक्य इसी समय में नहीं दिखा। क्योंकि बड़े बड़े मंदिर तो बन गए लेकिन कहीं ज्ञान की सुगंधि नहीं है। तो ज्ञान जब तक समाज में या संसार में नहीं फैलेगा, भक्ति का रस नहीं बहेगा, तब तक आज हमारे समाज को लेकर मैं भी और आगे बढ़ूँ। तो सुंदर शाह जी, हमारे समाज में भी 600 से ज़्यादा स्थान बन गए, चाहे उसमें मंदिर ले लो, पुरी भी ले लो धाम को लेकर, और अलग अलग छोटे छोटे आश्रम या जो भी मंदिर बने हैं सब को लेकर। पर जो बड़े बड़े मंदिर बने वहाँ ये वाणी का ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, कोई सुगंधी। क्योंकि मंदिर तो तब बनाया जाता है कि वो मूल केंद्रीकरण बने, क्या ज्ञान के प्रचार प्रसार का, तभी मंदिर मंदिर कहा जाता है। लेकिन अभी तो वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि मंदिरों से कोई ज्ञान की कोई जागनी का काम या क्या कोई ज्ञान की सुगंधी नहीं प्रसर रही है। तो मंदिर इतने बड़े बड़े चाहे हमारे भारत में बने या कोई नेपाल या और अलग स्थानों में बने, तो बनने से क्या फ़ायदा। वैसे तो वाणी 400 साल से इस संसार में आ गई, 400 साल से सुंदर साथ यही पाठ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जितना प्रचार प्रसार जितनी जागनी का कार्य जोर शोर से पूर्व प्रवाह में चलना चाहिए, वो काम हमारा समाज अभी भी नहीं कर पाए। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है सुंदर साथ जी, क्या आज हर मंदिरों में वार्षिक उत्सव या कोई भी भंडारा होता है, कितने सुंदर साथ या और भी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, 3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का उत्सव तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मंच के प्रोग्राम में हम देखें तो ज्ञान के नाम पर शून्य, कोई चर्चा के अंदर कोई ज्ञान धारा प्राणा जी की वाणी की चले, ऐसा तो मेरे को कम सुनने को मिलता है। बस मंदिर बस मंच में बैठे कोई एक विद्वान की चर्चा का जब नंबर लगा, बारी लगी, वो चर्चा में जब बैठे तो पहले 10 मिनट तो संबोधन करने में, ये पधारे हैं, ये पधारे हैं, यही मंच है, उसकी जे बस ये करने में 10 मिनट वो ख़त्म कर दे, 10 मिनट फिर यहाँ का प्रसंग जोड़ेंगे, थोड़ा इधर का प्रसंग जोड़ेंगे, कोई मूल बात का विस्तार से कोई विषय के अनुसार कोई चर्चा ही सुनने को नहीं मिलती। वैसे 3 दिन या 5 दिन लगातार भंडारा तो चलता रहेगा, लेकिन जो सुंदर साथ दूर दूर से अपने आत्मा की खुराक के लिए आए हैं, इस ज्ञान की समझ लेने के लिए आए हैं, लेकिन सुंदर साथ वापस लौटेंगे तो कुछ मिला नहीं, सुंदर साथ जी इससे क्या फायदा। तो यहां शेख सुलेमान को बताया कि तू भी हमारे संदेश को पहुंचा दे, यही तो अभी चल रहा है कि हम भी इस संदेश को पहुंचाने के लिए, मान लो कि कोई भी स्थान से प्रचार प्रसार होता है तो हम भी
रोकने का, भले हम आगे बढ़ाने का प्रयास मेहनत ना करें तो कोई बात नहीं, हम शांति से बैठे रहे, लेकिन इस जागनी प्रचार को रोकने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस साहित्य को, इस टीका को रोकने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। आज सुंदर साज समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैला दी है कि सुंदर साज जी तुम वाणी की टीका को ना पढ़ो, उसकी चर्चा ना सुनो, ये ना करो, तो सुंदर साज जी हम रोक लगा रहे, ये कहाँ की रस्म है, ये कहाँ की रीत है, यहाँ क्या राज जी बता रहे इस प्रसंग के माध्यम से। क्योंकि हम जागनी का काम करते भी नहीं है और जो कर रहे हैं उस जागनी कार्य में भी हम व्यवधान डाल रहे हैं, ये तो बहुत बड़े अपराधी हम बन रहे हैं, बहुत बड़े हम गुनहगार बन रहे हैं। तो यहाँ आगे शेख सलेमान को बताया कि हे शेख सलेमान, तू इतनी बातों को मान जा और धर्म के वास्तविक स्वरूप को बताया, और शेख सलेमान के अंदर ये विचार भी आए कि ये तो बहुत बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करे। देखो हमारे समाज में यही तो अभी वर्तमान में चल रहा है कि नहीं, ये ज्ञान का प्रचार प्रसार जो हो रहा है बात तो बहुत सही है, सत्य है, इतना नहीं प्राणनाथ जी की वाणी की मूल सिद्धांत की बात है, लेकिन अब हम जो जाहिर कर देंगे, ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को, ये मैं 400 साल पहले पुरानी बात करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये घटनाक्रम तो 400 साल पहले घटित हो गया, मेरे को शेख सलेमान की बात नहीं करनी है। प्लीज मैं आज एक आह्वान करती हूँ समस्त समाज को कि हमने अभी बोला कि हम जागनी का कार्य तो आगे नहीं करते, लेकिन जो कर रहे उस जागनी कार्य में हम व्यवधान डाल रहे, बाधाएं डाल रहे, ये हमारा अधिकार नहीं है। या क्या बताया कि ये लोग इसलिए रोक लगा रहे हैं वर्तमान में कि जो सत्य ज्ञान समाज में जाहिर हो जाएगा तो हमारी गादी, हमारा स्थान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा जो मान सम्मान है, उस वर्चस्व पूरा ही मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कौन हमारी आरती उतारेगा, कौन मंदिर में मत्था टेकेगा, कौन परिक्रमा करेगा, कौन सेवा पूजा करेगे, कौन चरणामृत लेगे। सुंदर साची ये नर्सरी की क्लास कहाँ तक पढ़ते रहोगे, ये बच्चों को सिखाइए, हम आगे बढ़े, राज्य की वाणी में डूबिए। क्योंकि हम 10 साल तक तो एक नर्सरी में नहीं रहेंगे ना, 10 साल के बाद तो 10th में जाएंगे, उसी के बाद हायर सेकेंडरी 12th में जाएंगे, उसी के बाद हम कॉलेज, उसी के बाद यूनिवर्सिटी, उसी के बाद कोई डिग्री के लिए पोस्ट प्राप्त करेंगे। और आज हमारा जो ये जागनी का कार्य, जहाँ से प्रचार प्रसार होना चाहिए मूल केंद्रीकरण से, वहाँ से बस यही पाठ सिखाया जा रहा है कि तुम बस सेवा पूजा करो, पाठ करो, इतनी माला कर लो, इतना मंत्र का जाप कर लो, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ के अंदर जो ज्ञान की सुगंधि फैल जाएगी, सुंदर साथ चितवनी करने लग जाएंगे, उसके अंदर युगल स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो कौन आरती उतारेगा, कौन किसकी आरती उतारेगा, क्योंकि सब समान हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि जो राज्य का स्वरूप है वो तो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तो राज्य है, हमारे बीच में तो कोई दूरी ही नहीं है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। अभी तो हमने बोला कि राज्य के अंग श्यामा जी, श्यामा जी के अंग सुंदर सात, तो यहाँ सब ब्रह्मात्माएं हैं, कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं, एक सिर्फ राज्य है और हम सब ब्रह्मात्माएं उसके अंग है। तो यहाँ शेख सलेमान ने भी यही सोचा, तो शेख सलेमान कौन है जो जागनी के प्रचार को, जो जागनी के कार्य को रोक रहे है। इसने ये सोचा कि ये जो जाहिर हो जाएगी सत्य ज्ञान, क्यामत के 7 निशान, इमाम मेहंदी और हमारे बादशाह ये स्वीकार कर लेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे, किसके चरण में,
ये इमाम मेहंदी प्राणना जी श्री जी आए हैं उसके, तो हमारा शरीयत का आई बात, सरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा, मतलब हमारा जो कर्म कांड, हमारा व्यवहार जो ये दरबार से चल रहा है, तो यही तो हुआ, तो शरीयत समाप्त हो जाएगी ना, आरती सेवा पूजा सब शरीयत समाप्त हो जाएगी। तो सुंदर साहब जी अंतिम जब शेख सलेमान को ये सब शर्त जो रखी, शेख सलेमान ने सुन भी लिया, थोड़ा ईमान भी अंदर आया, लेकिन डर शरीयत का लगा कि शासन समाप्त हो जाएंगे। तब जाके हमारे सुंदर साथ ने क्या बताया कि हे शेख सलेमान, हमारा जो फकीर है जो पहाड़ में रहते हैं, वो फकीर को यहाँ की कोई चीज़ जो नाचीज है, यहाँ की कोई नस्वर चीज है, यहाँ की कोई बादशाहत है, यहाँ का कोई सिंहासन है, वो नहीं चाहिए। इस संसार की जूठी चीज, इस संसार का कोई शासन या सिंहासन नहीं चाहिए। ये तो उसने तो खुदा ताला ने तो उसको परमधाम की बादशाहत दे रखी है, तो ये चीज को पकड़कर वो क्या करेंगे। तब जाके शेख सलेमान के अंदर और विचार आए कि वो बात तो बहुत बड़ी ऊंची करते हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं जो सब बातें औरंगजेब बादशाह को बता दूंगा, किसने सोचा ही, शेख सलेमान ने, कि मैं जो सब बात औरंगजेब बादशाह को बता दूंगा तो क्या होगा, फिर मेरे पर कोई कहने में चूक होगी तो मेरे पर रुष्ट हो जाएगा, मतलब क्रोध करेगा, तो ये बात अभी ढकनी है, बतानी नहीं है। तो आज हमारे समाज में भी ऐसी लीला होती है कि सुंदर साथ को सत्य का तो पता चल गया, लेकिन उसको डर क्या है कि बादशाह तक ये सत्य बात कैसे रखे, फिर मंदिर में आने की अनुमति नहीं देंगे, कहीं प्रोग्राम में कोई साथ में रखने की अनुमति नहीं देंगे, इतना नहीं हमको समूह से अलग, संप्रदाय से अलग कर देंगे, समूह से अलग कर देंगे। लेकिन सुंदर साहब जी, मैं आज फिर तीसरी बार ये बात दोहरा रही हूँ कि जो राज्य परमधाम से रूहों को नहीं निकाल पाए, क्या ये यहाँ के कोई किसी के अंदर ये ताकत है कि हमको संप्रदाय से या समूह से निकाल दें या परमधाम से निकाल दें। तो यहाँ शेख सलेमान ने बात बादशाह तक पहुँचाने के लिए मना कर दिया, अंदर से विचार ही ऐसा कर लिया और अंतिम चौपाई में बताया कि माँ मत कहे मोमिनो, ये याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्या मत, माँ मत कहे मोमिनो। महामती कहते हैं कि हे मोमिन सुंदर साथ जी, याद करो हजरत, तुमने ये जो शरीयत के, ये मुसलमान के साथ ये संदेश देने के लिए जो लड़ाई की, कैसे वचनों की लड़ाई, वो तलवार वाली लड़ाई नहीं, वचनों की लड़ाई की, उस समय को तुम याद करो कायम करने की आमद, क्योंकि तुमने अखंड का संदेश देना था और ये बादशाह तक पहुंचाना था, इसलिए तुमने वचनों की लड़ाई की, लेकिन तुम आगे कौन हो ये पत्र के माध्यम से, और इसी के आगे ये मोमिन क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार होगे, इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराए, महामत कहे ये मोमिनो, ये याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्या मत, कायम करने क्या मत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम।